हम लोग जानते हैं कि देखिए मैं यहाँ पे आपसे सिलेबस डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन ये जरूर बताना चाहूंगा कि इसमें जितने प्रश्न पत्र हैं तुलनात्मक रूप से उन प्रश्न पत्रों पे किस पे हमको ज्यादा फोकस करना है, किस प्रश्न पत्र के अर्थशास्त्र के किस प्रश्न पत्र के साथ हमको ज्यादा समय बिताना है उसको समझने के लिए। क्यों समय ज्यादा बिताएंगे उसको समझने के लिए? क्योंकि इसका ये कहने का आशय ये है कि उससे हमें परीक्षा में ज्यादा प्रश्न मिलेंगे, तो जाहिर सी बात है उसके साथ हम ज्यादा समय बिताएंगे। तो पहले सबसे पहले अगर हम देखें तो अर्थशास्त्र में जो प्रश्न पत्र हैं, जो अर्थशास्त्र का जो विस्तार है उसको हम विभिन्न भागों में प्रश्न पत्र के रूप में, पेपर्स के रूप में अगर हम वर्गीकृत करते हैं या बांटते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे सामने 8 प्रश्न पत्र आते हैं। उन 8 प्रश्न पत्रों को अगर हम आपसे कहें कि पहला प्रश्न पत्र जो अर्थशास्त्र में, जब हम अर्थशास्त्र की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले सामना हमारा इसी पहले प्रश्न पत्र से होता है, इसको हम कहेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स या व्यष्टि अर्थशास्त्र। पहला प्रश्न पत्र व्यष्टि अर्थशास्त्र, दूसरा प्रश्न पत्र है, मैं लिखते जा रहा हूं, पहले एक बार लिख के फिर हम लोग इस पर चर्चा करते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र। मैक्रो इकोनॉमिक्स public finance मनी एंड बैंकिंग।
ये जो है आपके 8 प्रश्न पत्र हैं अर्थशास्त्र से संबंधित। इन 8 प्रश्न पत्रों में सबको पढ़ना, सबके बारे में समझना, सबसे अवगत होना आवश्यक है हमारे लिए। परीक्षा में आने वाले प्रश्नों के संदर्भ में हम कितना सकारात्मक प्रयास या अपने स्तर को कितना ऊपर उठाते हैं, इसके लिए इन 8 प्रश्न पत्र से अवगत होना हमें आवश्यक है। लेकिन अगर हम आपको रणनीति अपनी यहां पे स्पष्ट करें तो कहना चाहेंगे कि देखिए, इन 8 प्रश्न पत्रों को पढ़ेंगे जरूर, लेकिन 8 प्रश्न पत्रों पे समान समय नहीं देंगे। जो हमारे परीक्षा में आने वाले प्रश्नों के दृष्टिकोण से जितना ही ज्यादा महत्व का होगा, अर्थात इस प्रश्न पत्र, इन प्रश्न पत्रों में से जिस भी प्रश्न पत्र में से परीक्षा में ज्यादा प्रश्न आएंगे, उसी अनुपात पे उस पर हम समय भी देंगे। ठीक है, इसके संबंध में जब हम इसका विश्लेषण करते हैं कि किस पेपर से परीक्षा में कितने प्रश्न आते हैं, तो पहला जो पेपर इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स या व्यष्टि अर्थशास्त्र है, वो टीजीटी हो या पीजीटी हो, उस माइक्रो इकोनॉमिक्स से परीक्षा में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर औसत रूप में हम देखें विभिन्न वर्षों में माइक्रो इकोनॉमिक्स से टीजीटी और पीजीटी, खासकर अगर हम पीजीटी का संदर्भ लेके चलें, तो पीजीटी में 125 प्रश्न होता है, टीजीटी में 62 प्लस 1 प्रश्न होता है। तो पीजीटी का अगर हम संदर्भ लेके चलें तो 125 प्रश्नों में से 35 से 45 प्रश्न, गौर कीजिएगा इस बात को, बहुत मेजर चंक है जो माइक्रो इकोनॉमिक्स से पूछा जाता है प्रश्नों की संख्या के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो। देख लीजिए 35 से 45 प्रश्न जब भी एग्जाम हुआ है पीजीटी का, तो इस माइक्रो इकोनॉमिक्स या व्यष्टि अर्थशास्त्र से पूछा ही गया है। मतलब इन अर्थशास्त्र के इन 8 प्रश्न पत्रों में से जो परीक्षा में आने वाले प्रश्नों की संख्या के दृष्टिकोण से अगर हम देखें, तो सबसे महत्वपूर्ण जो है वो व्यष्टि अर्थशास्त्र है। दो दृष्टिकोण से इसके महत्व को हम आपके सामने व्याख्यायित करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे, विश्लेषित करना चाहेंगे। एक तो परीक्षा में आने वाले प्रश्नों की संख्या के दृष्टिकोण से यह हमारे लिए बहुत महत्व का है। दूसरा, इस माइक्रो इकोनॉमिक्स, जैसा हमने आपसे कहा कि जब अर्थशास्त्र की शुरुआत होती है, हम अर्थशास्त्र की शुरुआत करते हैं, तो शुरुआत माइक्रो इकोनॉमिक्स से ही होती है। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो बाकी के अर्थशास्त्र के सभी प्रश्न पत्रों को, स्टैट्स को अगर हम छोड़ दें, स्टैट्स भी उसमें शामिल है क्योंकि मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स है वो, स्टैट्स और मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, तो उसमें भी शामिल है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो इकोनॉमिक्स के सभी 8 प्रश्न पत्रों, माइक्रो इकोनॉमिक्स को अगर हम छोड़ दें तो बाकी के 7 प्रश्न पत्र बचते हैं, उन सभी 7 प्रश्न पत्रों को समझने के लिए, बेहतर तरीके से समझने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स का समझना बहुत ही आवश्यक है, आधारभूत आवश्यकता है। जैसे हम कहते हैं कि अर्थव्यवस्था के विकास के लिए, अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास के लिए आधारभूत संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो मूलभूत आवश्यकता है जिसके अनुपस्थिति में या जिसकी अनुपलब्धता में अर्थव्यवस्था का विकास ही संभव नहीं है, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का। तो उसी तरह से अगर हम अर्थशास्त्र के इन 8 प्रश्न पत्रों का विश्लेषण करें, उनके विषय वस्तु से अगर हम दो चार हों, तो उसमें आप स्पष्ट रूप से आपको यह समझ में आएगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एज फार एज क्वेश्चंस कंसर्न इन योर एग्जाम, एंड टू अंडरस्टैंड द होल रेस्ट इकोनॉमिक पेपर्स। तो इस दृष्टिकोण से पहला क्या हो गया, अर्थशास्त्र को पूरी अच्छी तरह से समझने के लिए, अर्थशास्त्र के सभी प्रश्न पत्रों को बेहतर तरीके से समझने के लिए, इस माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो विषय वस्तु दी हुई है उसको समझना हमारे लिए आधारभूत आवश्यकता है। उसको समझे बिना हम अर्थशास्त्र के शेष प्रश्न पत्रों में हम पढ़ने बैठेंगे, जब उससे हम उसको समझने के लिए
किताब खोलेंगे तो हमारी समझ में नहीं आएगा। तो और दूसरा, परीक्षा में आने वाले प्रश्न, सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं, 125 प्रश्न पीजीटी के 125 प्रश्न में से 35 से 45 प्रश्न माइक्रो इकोनॉमिक्स से आएंगे। पहला, ये आप अगर प्रश्न आने वाले प्रश्नों की संख्या के महत्व के आधार पर अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सा पेपर है अर्थशास्त्र का या इकोनॉमिक्स का, माइक्रो इकोनॉमिक्स या व्यष्टि अर्थशास्त्र। दूसरा है इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था। देखिए, जब हम अर्थशास्त्र के सिद्धांत को विकसित करते हैं, उस सिद्धांतों का व्यवहारिक अनुप्रयोग जब हम करते हैं तो वो व्यवहारिक अनुप्रयोग जो होता है वो अर्थव्यवस्था से संबंधित होता है। तो इंडियन इकोनॉमी जो है वो अर्थशास्त्र के 8 प्रश्न पत्र में से एक प्रश्न पत्र है, जो कि परीक्षा में आने वाले प्रश्नों की संख्या के दृष्टिकोण से अगर हम इसका विश्लेषण करें तो कमोबेश माइक्रो इकोनॉमिक्स के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र है, जिसको हम अगर अच्छे से समझ लेंगे तो ये समझ लीजिए कि इससे पीजीटी की 125 प्रश्नों में, पीजीटी की परीक्षा में आने वाले 125 प्रश्नों में, इसमें 20 से 30 प्रश्न आने की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। 35 से 45 प्रश्न माइक्रो इकोनॉमिक्स में, 20 से 30 प्रश्न इंडियन इकोनॉमी में या भारतीय अर्थव्यवस्था में। और अगर हम तीसरा माइक्रो इकोनॉमिक्स या समष्टि अर्थशास्त्र, इससे परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं वो 15, 18, 20, 22, तो मतलब 15 से 20 प्रश्न आपके पीजीटी परीक्षा में पूछे जाने वाले 125 प्रश्नों में वैसे कमोबेश जब हम विश्लेषण करते हैं तो ये स्थिति विभिन्न प्रश्न पत्रों में से पहला, दूसरा, तीसरा, ये स्थिति हमें दिखाई देती है। अगर हम इन तीनों को जोड़ दें तो हम क्या देखते हैं, कम कम वाला ही जोड़ते हैं। जैसे हमने लिखा 35 से 45 तो हम 35 ही जोड़ते हैं, सपोज करिए। है ना विस्मयकारी, 125 प्रश्न पत्र अर्थशास्त्र के जो सभी पेपर्स हैं, जो उसकी सभी विषय वस्तु को कवर अप करते हैं, कवर करते हैं, वो 8 पेपर्स हैं, लेकिन हम क्या देख रहे हैं, इन 3 पेपर्स मात्र से हम न्यूनतम 70 और मैक्सिमम 95। मतलब आप निकाल लीजिए एवरेज, अगर हम कह दें कि चलिए ठीक है इन दोनों के बीच में कहीं रखते हैं, लगभग 80 प्रश्न इन 3 प्रश्न पत्रों से आएंगे। 125 प्रश्न में से 80 प्रश्न अगर आ रहे हैं, हम कह रहे हैं 70 प्रश्न ही आ रहे हैं, 65 भी इवन आ रहे हैं, इससे कम तो आएंगे नहीं। तो ऐसी स्थिति में क्या है, ऐसी स्थिति में आप देख रहे हैं मात्र 3 प्रश्न पत्र पढ़ने के बाद आप जो है 70 से 80 प्रश्न करने की स्थिति में स्वाभाविक रूप से आ जाते हैं। तो जब हम पढ़ने के क्रम में पढ़ेंगे तो सबसे पहले इन्हीं प्रश्न पत्रों को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। कारण क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स सभी को समझने के लिए आवश्यक है और परीक्षा में आने वाले प्रश्नों की संख्या के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो ये तीनों प्रश्न पत्र जो है प्रायः पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पे आते हैं। आज हम, जैसे हमने आपसे कहा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमी, माइक्रो और मैक्रो विश्लेषण की दो अलग अलग पद्धतियां हैं। अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो उसमें विश्लेषण की जो पद्धति है दोनों प्रश्न पत्रों की वो अलग अलग है।
देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है, इसको जब हम हिंदी में इसका शाब्दिक अर्थ करते हैं तो ये जो हमें प्राय मिलता है वो होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र। अगर इसको हम इसका और सरलीकरण करें तो कहेंगे सूक्ष्म अर्थशास्त्र। माइक्रो, माइक्रो बना हुआ है माइक्रोस्कोप से। माइक्रोस्कोप के नीचे हम किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो क्या होता है, उसके आकार को जो हम माइक्रो उसको जब हम माइक्रोस्कोप के नीचे रखेंगे तो क्या देखते हैं कि उसके आकार को बहुत बड़ा कर देता है। मतलब छोटे से छोटे किसी भी वस्तु के छोटे से छोटे अंश के या हिस्से के विश्लेषण के लिए हम माइक्रोस्कोप का जिस तरह से इस्तेमाल करके उसका विश्लेषण करते हैं, उसी तरह से माइक्रो इकोनॉमिक्स में अर्थव्यवस्था के छोटे से छोटे हिस्से का विश्लेषण किया जाता है या अध्ययन किया जाता है। अब इसमें अगर हम कहें कि छोटे से छोटे हिस्से का मतलब क्या है, तो देखिए अर्थव्यवस्था में बेसिकली क्या होता है, अर्थव्यवस्था में बेसिकली जो होता है वो जो आर्थिक गतिविधियां हैं, एक आर्थिक प्रणाली की जो आर्थिक गतिविधियां होती हैं उसको अगर हम बेसिक उसका वर्गीकरण करें तो वो हो गया आपका उपभोक्ता, उत्पादक और उत्पादन के साधन। ठीक है, अगर हम किसी अर्थव्यवस्था में या आर्थिक विश्लेषण करते हैं तो कितने पक्ष हमारे सामने आते हैं जिसका आप बेसिकली अध्ययन किया जाता है अर्थशास्त्र के अंतर्गत, उसमें आप देखेंगे तो मोटे तौर पे जो हम अध्ययन करते हैं वो उपभोक्ता का अध्ययन करते हैं। उपभोक्ता क्या करता है, उपभोक्ता अर्थव्यवस्था में मांग सृजित करता है। उपभोक्ता ही वस्तुओं एवं सेवाओं को की मांग करता है, उसको क्रय करता है और उसको क्रय करके उसका उपयोग करके अपनी विविध आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है। उपभोक्ता से क्या हो गया, डिमांड क्रिएट हुई। उत्पादक क्या करता है, उपभोक्ता जिन वस्तुओं की मांग करता है उत्पादक उन वस्तुओं को बना करके उत्पादित करके वस्तु बाजार में उसकी आपूर्ति करता है या बिक्री करता है, तो ये महोदय क्या करते हैं, ये सप्लाई करते हैं। ठीक है, और उत्पादन के साधन क्या करते हैं, उत्पादन के साधनों के माध्यम से ही उत्पादन का कार्य होता है और उसी उत्पादन के कार्य के द्वारा उत्पादित वस्तुओं को या उपभोक्ता खरीदता है। पूरी अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों को मोटे तौर पे या मुख्य तौर पे अगर हम वर्गीकृत करें तो वो तीन प्रकार की स्थिति आती है, उपभोक्ता, उत्पादक और उत्पादन के साधन। तो जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो आप जैसे मानिए कि एक अर्थव्यवस्था में हम भारत की अर्थव्यवस्था की बात करें तो भारत की आबादी कितनी है, 1,30,00,000, 130 करोड़ से ऊपर है, मतलब 130 करोड़ लोग यहां पे उपभोक्ता है। अब 130 करोड़ लोगों में से जब हम 130 करोड़ लोगों को उपभोक्ता के रूप में देख के या उपभोक्ता के रूप में रख के जब उनका अध्ययन करेंगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत जब हम अध्ययन करेंगे तो हम देखेंगे किसी विशिष्ट व्यक्ति 130 करोड़ व्यक्ति में से एक विशेष व्यक्ति जब बाजार में जाता है अपनी जेब में कुछ पैसा लेकर के तो वो वस्तुओं को जब क्रय करता है उस पैसे के द्वारा तो उसका व्यवहार क्या होता है, बाजार में वह वस्तुओं के सापेक्ष किस प्रकार का व्यवहार करता है, किस स्थिति में उसका व्यवहार कैसा होता है। अगर दो भिन्न स्थितियों में उपभोक्ता का व्यवहार भिन्न होता है तो वो क्यों होता है, मतलब किसी एक विशेष उपभोक्ता के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का विषय या उसके विश्लेषण उसका जो है विषय वस्तु की बात होती है जब एक उपभोक्ता के बारे में हम बात करते हैं। अब 130 करोड़ उपभोक्ता जो अलग अलग सभी मांग कर रहे हैं, क्योंकि उपभोक्ता है तो उनकी आवश्यकता होगी, उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए बाजार से वस्तु एवं सेवाओं को खरीदेंगे या अर्थात मांग करेंगे वस्तु एवं सेवाओं की। तो मतलब 130 करोड़ लोगों द्वारा जो वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग हो रही है तो उन सभी 130 करोड़ लोगों के द्वारा की गई मांग को जब हम सामूहिक रूप से उसका अध्ययन करेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कुल मांग कितनी है, कुल मांग क्या हुई 130 करोड़ लोगों द्वारा मांगी गई सभी वस्तु एवं सेवाओं की या मांगी गई वस्तु एवं सेवाओं की मात्रा
वो भारतीय अर्थव्यवस्था की कुल मांग होगी। तो क्या देखा हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में, हम छोटे से छोटे अर्थव्यवस्था के छोटे से या छोटे हिस्से का अध्ययन करते हैं, विश्लेषण करते हैं, और जब मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात होती है तो उसी चीज का अध्ययन हम पूरे अर्थव्यवस्था के अंतर्गत या के ऊपर करते हैं। तो माइक्रो इसको कहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र या सूक्ष्म अर्थशास्त्र, और हमने आपको बताया कि माइक्रो जो बना है शब्द, ये माइक्रोस्कोप से बना है। पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था के एक उपभोक्ता को सूक्ष्मदर्शी की तरह से देखना, एक विशिष्ट उपभोक्ता का बाजार में वस्तुओं की मांग के प्रति क्या व्यवहार है, उसका जब हम अध्ययन करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स की विषय वस्तु हो जाती है। और जब भारतीय अर्थव्यवस्था में 130 करोड़ उपभोक्ताओं द्वारा की जाने वाली समस्त वस्तुओं सेवाओं की समस्त मांग की हम बात करते हैं, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात होती है। तो व्यक्तिगत स्तर पर जब हमको अध्ययन करना होता है तो उसका अध्ययन हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत करते हैं, और जब समष्टिगत स्तर पर अर्थात देश के स्तर पर उसी चीज का अध्ययन करना होता है तो उसका अध्ययन हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है तीसरा जो हमने आपको लिखा था वो था भारतीय अर्थव्यवस्था। एक हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स, हमने आपको एक सामान्य सा आउटलुक दे दिया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में विश्लेषण की पद्धति क्या है, विश्लेषण का स्वरूप क्या है, छोटे से अर्थशास्त्र में प्रतिभाग करने वाले छोटे से छोटे एजेंट या हिस्से का सूक्ष्मतम अध्ययन वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आने वाली विषय वस्तु होगी या उसके विश्लेषण की विषय वस्तु होगी। और जब उसी चीज का हम समष्टि स्तर पर अर्थात देश के स्तर पर विश्लेषण करते हैं तो वो विषय वस्तु होगी मैक्रो इकोनॉमिक्स की या समष्टि अर्थशास्त्र की। तीसरा जो हमने आपको लिखा था परीक्षा में आने वाले प्रश्न पत्रों के क्रम के आधार पर, वो हमने आपको बताया था कि भारतीय अर्थव्यवस्था। तो हम आज जो है कुछ एक ऐसा टॉपिक उठाते हैं जो माइक्रो इकोनॉमिक्स से भी संबंधित हो, मैक्रो इकोनॉमिक्स से भी संबंधित हो और इंडियन इकोनॉमी से भी संबंधित हो। तो अगर इस तरह के किसी कॉमन टॉपिक की बात करें तो हमारी नजर में आता है आय से संबंधित अगर कोई टॉपिक है। देखिए जैसे हमने आपसे कहा कि अर्थशास्त्र में जो अध्ययन करते हैं, अर्थशास्त्र को विभिन्न हिस्सों में बांट करके जो अध्ययन करते हैं वो हो गया उपभोक्ता वर्ग, उत्पादक वर्ग और उत्पादन के साधन। तो उत्पादन के साधन क्या करते हैं, अपनी सेवाओं को उत्पादन में योगदान अपनी सेवाओं के द्वारा देते हैं और उसके बदले में वो आय प्राप्त करते हैं। तो जब किसी विशिष्ट उत्पादन के साधन को कितनी आय प्राप्त हुई इसका विश्लेषण करेंगे तो स्वाभाविक रूप से वो माइक्रो इकोनॉमिक्स की विषय वस्तु हो जाएगी। जब पूरे देश की राष्ट्रीय आय, पूरे देश की आय कितनी है, पूरे देश की आय का मतलब क्या है, प्रत्येक व्यक्ति जो आय सृजित करता है या आय प्राप्त करता है उस सभी भारत के नागरिक जो कि उत्पादन के गतिविधि में हिस्सा लेकर के उत्पादन की गतिविधि में अपनी सेवा प्रदान करके वो आय प्राप्त करते हैं, तो जितने इस तरह के श्रम होंगे या उत्पादन के साधन जो उत्पादन प्रतिभाग करने वाले होंगे उनके सभी द्वारा जो आय प्राप्त की जाती होगी उसका योग कर लेंगे तो वो हो गया राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय क्या है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स की विषय वस्तु हो गई। किसी विशिष्ट उत्पादन के साधन की आय किस प्रकार से निर्धारित होती है जब इसका विश्लेषण करेंगे तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात हो गई। और जब इसका हम अप्लाइड या इसका जब हम व्यवहारिक अनुप्रयोग करेंगे तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था की विषय वस्तु भी हो गई। मतलब भारतीय अगर हम राष्ट्रीय आय को लें तो ये कमोबेश तीनों से किसी न किसी रूप में संबंधित है। तो राष्ट्रीय आय को जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि राष्ट्रीय आय में जैसे हमने आपसे कहा कि अर्थशास्त्र में 8 विषय वस्तु हैं, उसी तरह से राष्ट्रीय आय में बेसिकली हमको क्या क्या चीजें हैं, टॉपिक्स हैं या क्या क्या उसके हिस्से हैं जो हमको पढ़ना है, इसके बारे में विश्लेषण करने के बाद हम औपचारिक रूप से राष्ट्रीय आय के ऊपर आते हैं। इसको कहेंगे तो हम कहेंगे नेशनल इनकम। नेशनल इनकम देखिए एक सामान्य सी परिभाषा देते हैं किसी चीज को समझने के लिए क्या होता है। जैसे किसी के बारे में सूक्ष्म अध्ययन करना है, गहन अध्ययन विश्लेषण करना है तो सबसे पहले जरूरी होता है एक परिचय प्राप्त करना। हमारा ये जो क्लास है ये भी एक तरह से समझिए कि परिचयात्मक क्लास हमारा आपसे है।
तो इसमें जब हम राष्ट्रीय आय के संबंध में देखते हैं तो सबसे पहले एक सामान्य सी परिभाषा हम दे लेते हैं या देख लेते हैं कि राष्ट्रीय आय बेसिकली हम कहते किसको है। तो राष्ट्रीय आय से जब हम की को परिभाषित करते हैं तो एक सामान्य सी परिभाषा अगर हम व्यक्त करें राष्ट्रीय आय को परिभाषा में तो कहेंगे कि राष्ट्रीय आय किसी देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित एक वर्ष की समय अवधि में किसी देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों का योग राष्ट्रीय आय कहलाता है। ठीक है, फिर से सुन लीजिए एक बार, किसी देश के नागरिकों द्वारा एक वर्ष की समय अवधि में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों का योग राष्ट्रीय आय कहलाता है। अब ये सामान्य सी परिभाषा है, रटना चाहेंगे तो रट लेंगे, लेकिन हमारी बात अगर आप मानेंगे तो आप अर्थशास्त्र के टॉपिक्स को, अर्थशास्त्र के सिद्धांत को, अर्थशास्त्र के कॉन्सेप्ट्स को समझते हुए चलिए तो वो आपके लिए ज्यादा लाभप्रद होगा। क्योंकि जब हम एक बार समझ लेते हैं, उसकी छोटी छोटी चीजों से हम परिचित हो जाते हैं, तो उसके ऊपर फिर हमको ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं होती है। परीक्षा में जाने से पहले हम क्या करते हैं, एक बार पन्ना पलटा, चूंकि पहले से पढ़े हैं, अच्छे से समझे हैं, तो जाने से पहले एक बार पन्ना पलटते हैं, निगाह हमारी उस पेज पे घूमती है, उस मैटर को जो है चूंकि पहले से पढ़े हुए हैं, जाना पहचाना है, एक नजर घूमती है, मात्र दो मिनट में वो रिकॉल हो जाता है, एग्जाम में जाते हैं तो वो चीज अगर परीक्षा में आ जाती है इत्मीनान से और आराम से और कॉन्फिडेंटली उस चीज को करते हैं। परीक्षा में जाने से पहले अगर वो हम रिविजन नहीं करते हैं, वो दो मिनट मात्र एक पेज पे नहीं देते हैं तो बड़ा घाटा होता है। देखिए, जब हम किसी परीक्षा में शामिल होते हैं तो परीक्षा में शामिल होने के साथ उस परीक्षा में अपने लक्ष्य को प्राप्त करना अर्थात सफलता को प्राप्त करना, यही हमारे दिमाग में हमेशा चलना चाहिए। और जब हमारे दिमाग में हमेशा ये चलेगा कि हम सफल कैसे हों या हम जिस चीज के लिए प्रयास कर रहे हैं उसको हम प्राप्त कैसे करें, वो गोल या टारगेट हम हिट कैसे करें, तो निश्चित तौर से आप अपने आप को और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और उस और बेहतर करने के क्रम में अपने आप को व्यवस्थित तरीके से समायोजित करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण होता है। देखिए, अगर आप बहुत पढ़े हुए हैं, बहुत अच्छे से आपने सारी चीजों को समझा है, पढ़ा है, मेहनत किया है, एग्जामिनेशन हॉल में दो घंटे का समय होता है अगर मान लीजिए आपके पास, और दो घंटे में आपको सारे प्रश्नों को हल करना है, तो अगर वहां पे टाइम मैनेजमेंट आपका प्रॉपर नहीं होगा तो आपका सारा पढ़ा हुआ, विगत का सारा किया हुआ मेहनत उतना परिणामप्रद नहीं रहेगा, उतना उसका रिटर्न आपको नहीं मिलेगा। पढ़ने के साथ साथ छोटी छोटी चीजों को अगर हम अपने दिमाग में रखते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो हम किस प्रकार से क्या अपने आप को व्यवस्थित करें कि एकदम शांत रहें, हमारा दिमाग बिल्कुल काम रहे और स्थिर रहे, ज्यादा एंग्जाइटी लेके आप अपने ऊपर प्रेशर ना लें, प्रेशर लेंगे तो हमारा दिमाग पजल हो जाएगा तो सोचने की क्षमता कम होने लगेगी। तो एग्जामिनेशन हॉल में वो जो आप बैठते हैं, दो घंटे का समय दे रहे हैं, वो टाइम मैनेजमेंट कितना प्रॉपरली आप मैनेज करते हैं, आपके मेहनत के साथ साथ वो चीज भी मैटर करती है। उसी तरह से जब हम पढ़ाई के क्रम में चलेंगे, अध्ययन करेंगे, तैयारी करेंगे, प्रिपरेशन के क्रम में, तो जो हम पढ़ते जाएंगे उसको अच्छे से समझने के बाद, उसको याद करने के बाद, उस पर प्रैक्टिस करने के बाद उसका एक जीस्ट बना लेंगे, उसका एक संक्षिप्तीकरण कर लेंगे। चार पेज का मैटर है, आधा पेज में कर लिया, आधा पेज को रट गए, समझे है ही, रटने में बहुत हमको बहुत मेहनत लगेगी नहीं, तो उसको रट लिया। अब उससे होता क्या है कि हर टॉपिक का आधा आधा पेज आप बार बार पढ़े हैं, रटे हैं, उसको रिवाइज किए हैं, एग्जाम में जाने के पहले आपके पास समय नहीं होता है। तीन दिन, चार दिन, पांच दिन पहले से जो थ्रू आउट ईयर या पूरे साल या जितने अवधि में आपने उस चीज को पढ़ा हुआ है, उस सबको तीन चार दिन में आपको रिविजन करना बड़ा मुश्किल होता है, सारा सिलेबस पन्ना पलटना। तो इस तरह से अगर अपने आप को हम तैयारी के क्रम में हम व्यवस्थित किए रहेंगे तो क्या होगा, मुश्किल से हमारे पास 15, 20, 25 पेज होंगे 50 पेज होंगे, हम कह रहे हैं 100 पेज अगर हम बैठेंगे, पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है, एक बार पन्ना पढ़ते जाएंगे, रिकॉल होता जाएगा, तो क्या होगा, कम समय में हम ज्यादा गेन करेंगे
और एग्जाम में जाएंगे तो उसका प्रतिफल या परिणाम भी हमको देखने को मिलेगा। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो मिल करके हमारी सफलता का निर्धारण करती हैं। तो बड़े लोगों ने भी, किसी बड़े बड़े लोग जो होते हैं, विद्वान लोग जो होते हैं, जो हमारे समाज के पथ प्रदर्शक होते हैं, उन्होंने भी कहा है, जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि छोटी छोटी बातों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। यहाँ पे भी वही चीज लागू होती है। तो इसमें राष्ट्रीय आय की जो हमने आपको परिभाषा बताया कि एक वर्ष की समय अवधि में किसी देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित की गई समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों का योग उस देश का राष्ट्रीय आय कहलाता है। अब इसमें तीन चीजें, दो लाइन की या डेढ़ लाइन की परिभाषा है, लेकिन इसमें तीन चीजें ऐसी हैं जिसपे हमको ध्यान देना या समझना जरूरी है। पहला क्या है, एक वर्ष की समय अवधि, जो राष्ट्रीय आय की गणना की जा रही है किस समय अवधि के लिए की जा रही है, एक वर्ष की समय अवधि के लिए की जा रही है। देखिए, ये जरूरी नहीं है, ये कोई नियम नहीं है कि एक वर्ष की समय अवधि के लिए ही राष्ट्रीय आय की गणना की जाएगी, लेकिन राष्ट्रीय आय चूंकि पूरे राष्ट्र में ये उत्पादित कुल वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की, उत्पादित वस्तुओं सेवाओं के मूल्य की गणना है, तो बहुत सी वस्तुएं ऐसी हैं जब हम, जैसे जैसे हमारी उत्पादन प्रणाली जटिल होती जा रही है, बहुत से उत्पाद ऐसे हैं कि जो बनने में 2 महीना 3 महीना 4 महीना इवन 6-7 महीने तक ले लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में, अच्छा दूसरा क्या है, इतना बड़ा देश, इतना विविध देश, इतना विविध प्रकार की वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन होता है, तो अगर हम इसको कहें कि एक महीने के अंदर हम राष्ट्रीय आय की गणना करेंगे, तो अव्वल तो जो है एक महीने के अंदर सारी उत्पादित वस्तुओं सेवाओं का हम आंकड़ा ही संग्रहित नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सुविधा के लिए ये जो समय अवधि का निर्धारण किया गया जिसमें राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है वो एक वर्ष की समय अवधि के लिए किया जाता है। दूसरी चीज जो इसमें हमको ध्यान देने वाली है, समझने वाली है, क्या है, देश के नागरिकों द्वारा। देखिए, राष्ट्रीय आय की हम बात कर रहे हैं तो राष्ट्रीय आय, राष्ट्र किससे बनता है, राष्ट्र को बनने के लिए कुछ विशिष्ट चीजों की आवश्यकता होती है, एक निश्चित भूभाग या भूक्षेत्र, उस भूक्षेत्र में अधिवासितया रहने वाले नागरिक, एक सरकार और साथ साथ संप्रभुता, मतलब अपना निर्णय लेने की स्वतंत्रता। तो इन सब में एक घटक, राष्ट्र को स्वरूप देने वाले जितने मुख्य चार घटक हैं उसमें एक घटक क्या है, नागरिक है। तो जो राष्ट्रीय आय है, चूंकि राष्ट्र की आय है, राष्ट्र बनता है देश के नागरिकों द्वारा, तो ये देश के नागरिकों द्वारा प्राप्त की गई आय होगी, जिसका हम, जिसको हम ऐड कर लेंगे, उसका योग कर लेंगे, तो जो हमारे सामने आएगा नागरिकों द्वारा एक वर्ष की समय अवधि में प्राप्त की गई कुल आय, उसका अगर हम योग कर लेंगे तो वो राष्ट्र की आय हो गई। तो राष्ट्रीय आय की परिभाषा में दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज जिस पे हमको फोकस करना या ध्यान देना है वो ये है कि राष्ट्रीय आय की जब हम बात करते हैं उसका संबंध किससे होता है, देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित की गई वस्तु एवं सेवाओं से। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है जिसपे हमको ध्यान देना है कि वो है अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं। फिर से एक बार परिभाषा मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूं, एक वर्ष की समय अवधि में किसी देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुएं और अंतिम सेवाओं के मूल्यों का योग उस वर्ष के लिए उस देश का राष्ट्रीय आय कहलाएगा। अब देखिए, इसमें हमने विशेष बल दिया किस पे, अंतिम शब्द पे। जब हम वस्तुओं के उत्पादन की बात करते हैं कि वस्तुएं जो उत्पादित हुई हैं वो किस स्वरूप की हैं, तो वस्तुएं प्रायः अपनी प्रकृति के अनुरूप तीन प्रकार की होती हैं। एक तो हो गया आपका कच्ची वस्तु या कच्चा माल, रॉ मटेरियल, दूसरा हो गया मध्यवर्ती वस्तुएं, और तीसरा हो गया अंतिम वस्तुएं। अंतिम मतलब फाइनल गुड्स। एक हो गया आपका रॉ मटेरियल, दूसरा हो गया इंटरमीडिएट गुड्स, तीसरा हो गया फाइनल गुड्स। रॉ मटेरियल क्या होता है, जो प्रकृति से हमको प्राप्त होता है, और किसी भी वस्तु को बनाने के लिए उसको हम कच्चे माल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। जैसे जमीन से आयरन ओर प्राप्त हुआ, लौह अयस्क प्राप्त हुआ, तो बाल्टी बनाना होगा, तो उस बाल्टी के लिए कच्चा माल क्या है, लोहा है, लौह अयस्क है। और
मध्यवर्ती वस्तु क्या हो गई? मध्यवर्ती वस्तु ये हो गई कि किसी अन्य वस्तु को बनाने के क्रम में उस वस्तु का उत्पादन प्रक्रिया में स्वरूप या रूप और गुण पूरा परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, जैसे स्टील की चादर बनी, स्टील की चादर से बाल्टी बनी, तो स्टील की चादर के लिए रॉ मटेरियल क्या है? आयरन ओर है। और स्टील की चादर से जो बाल्टी बन रही है, उस बाल्टी के लिए इंटरमीडिएट गुड क्या है? वो है आपका स्टील का चादर। तो स्टील के चादर का रूप, स्वरूप, गुण, वो सब बाल्टी में बनने के में परिवर्तित हो गया। स्टील के चादर ने अपना स्वरूप खो दिया, अब उसका अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व किसका है? बाल्टी का है। बाल्टी क्या है यहाँ पे? वो फाइनल गुड है। तो अंतिम वस्तुएं और अंतिम सेवाओं के मूल्यों की ही एक वर्ष की समय अवधि में अर्थव्यवस्था में उत्पादित अंतिम वस्तुएं और अंतिम सेवाओं के मूल्यों की ही गणना करते हैं। अब स्वाभाविक सी चीज है, जब हम अंतिम की बात करते हैं तो अंतिम से एक सामान्य सा अर्थ अपने दिमाग में हम ये लगाएंगे कि अंतिम मतलब वह वस्तु जो किसी अन्य वस्तु को बनाने में कच्चे माल या मध्यवर्ती आगत के तौर पर इस्तेमाल न हो, और उस वस्तु का उपयोग या तो उत्पादन के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए किया जाए, या फिर उपभोग के लिए किया जाए। उपभोग के लिए क्या मतलब? कि उस वस्तु को, अब जैसे मान लीजिए कि बाल्टी जो है वो हम खरीद के लेके चले आते हैं घर पे, तो घर पे आते हैं तो उससे हम अपने आवश्यकता को पूरा करते हैं, जाहिर सी बात है वो हमारे लिए अंतिम वस्तु है। जब उपभोक्ता किसी वस्तु को क्रय करके उससे अपनी आवश्यकता की पूर्ति करता है तो वो उस दृष्टि से अंतिम वस्तु हो गई। अब वही बाल्टी अगर रेस्टोरेंट में जाता है और रेस्टोरेंट में उससे पानी सर्व किया जाता है तो वो वहां पे वो अंतिम वस्तु नहीं होगी, वो वहां पे मध्यवर्ती वस्तु हो गई। ठीक है, तो अंतिम वस्तुएं और अंतिम सेवाओं से तात्पर्य यह है कि उस वस्तु के द्वारा, उस वस्तु का को क्रय करके हम ले आते हैं और उससे अपनी किसी विशिष्ट आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, उस वस्तु का इस्तेमाल किसी अन्य वस्तु को बनाने में आगत के तौर पे, इनपुट के तौर पे नहीं होता है। अगर यह प्रकृति है किसी वस्तु की तो हम कहेंगे अमुक वस्तु अंतिम वस्तु है। इसको अगर हम और एलोबोरेट करें तो आपको हम दिखाना चाहेंगे कि अंतिम वस्तु से बेसिकली आशय क्या होता है। अंतिम वस्तु की जब हम बात करते हैं तो अंतिम वस्तु का मतलब क्या होता है? जैसे उदाहरण से अगर हम समझें कि एक किसान अपने खेत में गेहूं उपजाता है और वो गेहूं जब बाजार में बेचने जाता है तो उसको 1,000 रुपए मिलता है। गेहूं जब बेचता है तो कितना मिलता है उसको? 1,000 रुपए। अब जो हमारा कंजम्पशन पैटर्न है, उपभोग की प्रवृत्ति है, या उपभोग का जो हमारा व्यवहार है, उपभोग का मतलब आप समझ लीजिए कि किसी विशिष्ट आवश्यकता को पूरा करने के लिए किसी वस्तु का किया गया इस्तेमाल ही उपभोग कहलाता है। उपभोग का मतलब उस उपभोग के द्वारा हमारी कोई आवश्यकता वो पूरी होती है। जैसे हम आपको पढ़ा के निकले, गर्मी का समय, बहुत ज्यादा प्यास लगी हो, हम कहें भाई 1 गिलास पानी दो, पानी नहीं होता है, हम नीचे आते हैं, बॉटल खरीदते हैं, 20 रुपए देते हैं, पानी का बॉटल खरीदते हैं, और उससे इतनी प्यास लगी है कि वो पूरी बॉटल गटक जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या है वो, हम, हमारे लिए क्या है? उपभोग वस्तु है, और उसके इस्तेमाल से हमारी कोई विशेष आवश्यकता, या प्यास लगी थी, बहुत ज्यादा प्यास लगी थी, उस प्यास को बुझाने का काम पानी का बॉटल ने किया या पानी के ने किया। तो ऐसी स्थिति में उपभोग से आशय किसी व्यक्ति द्वारा अपनी किसी विशिष्ट आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया गया उपयोग है, जिसको उस वस्तु को, जो उपभोक्ता उस वस्तु का उपयोग करता है, उपयोग करने के बाद उसको संतुष्टि मिलती है। बहुत तेज प्यास लगी हुई है, नीचे दौड़ के भाग के गए, पानी के बॉटल खरीदा, पानी पिया, उसके बाद से तृप्ति कारक टकार लिया, कहा कि नहीं बहुत बढ़िया, राहत मिला, आराम हुआ। तो ये स्थिति होती है। अब देखिए, गेहूं का उपज उत्पादन करता है किसान और उसको मंडी में बेचता है, 1,000 रुपए मिलता है, तो गेहूं को हम इसी रूप में इस्तेमाल तो करेंगे नहीं, इस गेहूं को आटा मिल वाला खरीद लेता है, और 1,000 रुपए मूल्य में इस गेहूं को आटा मिल वाला खरीद लेता है, उसको प्रोसेस करके, उसको प्रसंस्कृत करके और आटा बना देता है, और आटा बना के मार्केट में उस आटे को बेचता है, तो मान लीजिए मिलता है उसको 1,200 रुपए। अब उस आटे को दूसरा कोई खरीद लेता है, मान लीजिए कि मैदा मिल वाला खरीद लेता है,
और इस आटे को प्रोसेस करके और उसको मैदा बना देता है, और मैदा बना के आटे को प्रोसेस करके मैदा बनाता है, मैदा बना के वो बाजार में बेचता है 1500 रुपए में। अब इस मैदे को बेकरी वाला खरीद लेता है और इस मैदे को प्रोसेस करके और इससे ब्रेड बना लेता है, और जब ब्रेड बनाता है तो बाजार में उस ब्रेड को जब बेचता है तो मान लीजिए कि 2000 रुपए में बेचता है। देखिए, हमने आपसे क्या कहा था, राष्ट्रीय आय की परिभाषा देने के संबंध में, हमने संदर्भ में हमने आपसे कहा था कि एक वर्ष की समय अवधि में किसी देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और अंतिम सेवाओं के मूल्यों का जब हम योग कर लेते हैं तो उसे ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब यहां पे हम क्या देख रहे हैं, इस गतिविधि में जो अंतिम वस्तु है वो क्या है, अंतिम वस्तु ये ब्रेड है। इस ब्रेड को हम खरीद के ले जाते हैं नाश्ते में, विविध प्रकार से इसका इस्तेमाल करके अपनी भूख को मिटाते हैं, पोषण या न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, उससे एनर्जी मिलती है, हमारी आवश्यकता पूरी हुई। तो इस स्थिति में ये क्या हुआ, या अब किसी अन्य वस्तु के उत्पादन में इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है कच्चे माल या मध्यवर्ती आगत के तौर पे, ये जो है ये अंतिम वस्तु है, ये उपभोक्ता द्वारा अपनी किसी विशिष्ट आवश्यकता जो कि हमारी भूख है, ठीक है, पोषण की आवश्यकता है, उसको पूरा करने के लिए उपभोक्ता ने इस ब्रेड को खरीदा और उस ब्रेड को खरीद के और ले गया घर पे, टोस्ट बनाया, जो भी किया इसका, और खा लिया, भूख उसकी मिट गई, उसकी आवश्यकता पूरी हो गई, उपभोग कर लिया। अब इसके बाद इस ब्रेड का किसी अन्य वस्तु के उत्पादन में किसी भी प्रकार से इस्तेमाल होने की आशंका या गुंजाइश समाप्त। तो यहां पे अंतिम वस्तु क्या हो गई, ये ब्रेड हो गई, जो कि हमारे द्वारा या उपभोक्ता के द्वारा इस्तेमाल की गई है अपनी भूख को मिटाने के लिए, अपनी किसी विशिष्ट आवश्यकता को पूरा करने के लिए। तो जब हम राष्ट्रीय आय की गणना करेंगे तो उसमें जो परिभाषा हमने आपको दिया उसके हिसाब से सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय आय में यह 2000 रुपए ही शामिल होगा, ये सभी शामिल नहीं होंगे। ये सभी शामिल क्यों नहीं होंगे, ये सब शामिल इसलिए नहीं होंगे क्योंकि अगर इसको हम और विश्लेषण करें तो आपको हम बताना चाहेंगे, देखिए प्रकृति से, मिट्टी की उर्वरा शक्ति से हमको मिला गेहूं 1000 रुपए उसको बेचने पे किसान को मिलता है, तो ये हो गया आपका 1000 रुपए। अब इसी 1000 रुपए के गेहूं को खरीद के आटा मिल वाला प्रोसेस करता है, उसके रूप स्वरूप को परिवर्तित कर देता है, रूप स्वरूप परिवर्तित होने के कारण उसका गुण भी बदल जाता है और उसको बाजार में बेचता है 1200 रुपए में। तो अगर हम राष्ट्रीय आय में इस 1000 रुपए को जोड़ें प्लस इस 1200 रुपए को जोड़ें तो राष्ट्रीय आय की गणना से जो प्राप्त परिणाम होगा वो निश्चित तौर पे अशुद्ध होगा। क्यों अशुद्ध होगा, क्योंकि इस 1200 रुपए में ये 1000 रुपए जुड़ा हुआ है, इस 1200 रुपए में ये 1000 रुपए जुड़ा हुआ है। तो अगर हम 1000 रुपए और प्लस 1200 रुपए जोड़ देते हैं 2200 रुपए, तो इस प्रकार से प्राप्त राष्ट्रीय आय की गणना से जो परिणाम होगा वो राष्ट्रीय आय के सही आकार या सही मात्रा को बिल्कुल नहीं बताएगा, और उसकी तुलना में वो उसके आकार को और बड़ा करके दिखाएगा, जो कि एक भ्रम की तरह से होगा। होता है इतना, ठीक है, 1000 रुपए 1200 रुपए और हम दिखा रहे हैं 2200 रुपए, दोनों को जोड़ दिया, भाई किसान भी गेहूं को बेच रहा है बाजार में तो 1000 रुपए मिल रहा है, उसकी जेब में तो 1000 रुपए गया। उसी तरह से आटा मिल वाला भी जब आटा को गेहूं खरीद के आटा के रूप में बदल देता है प्रोसेस करके उसको और बाजार बेचता है तो 1200 रुपए में बेचता है, 1200 रुपए उसकी जेब में भी गया, लेकिन इस 1200 रुपए में ये 1000 रुपए शामिल है। मतलब इस चरण से इस चरण पे आने में, इस गेहूं के आटा बनने के क्रम में जो इस गेहूं के मूल्य में वृद्धि हो रही है वो हो रही है मात्र 200 रुपए। तो हम 1200 रुपए नहीं जोड़ेंगे इस उत्पादन के इस चरण में, हम क्या जोड़ेंगे, 200 रुपए, जो इस वस्तु के मूल्य में यहां पे आटा मिल वाला अपने तई अपना श्रम लगा के अपनी पूंजी लगा के इसका इसके मूल्य को बढ़ाता है। इसी तरह से 1200 रुपए से मैदा मिल वाला इस 1200 रुपए के आटे को खरीदता है, 1200 रुपए के आटे को खरीद करके प्रोसेस करके उसको 1500 रुपए में बेचता है, इस 1500 रुपए में ये 1200 रुपए मूल्य शामिल है। मतलब इस चरण से आटा बनने, आटे से उस वस्तु को मैदा बनने में जो उसके मूल्य में वृद्धि हो रही है
वो हो रही है 300 रुपए। यहां पे हम 1500 रुपए नहीं जोड़ेंगे, मात्र 300 रुपए जोड़ेंगे। 1500 रुपए जोड़ने का मतलब क्या है? एक ही वस्तु की गणना दो बार कर देना, एक ही वस्तु के मूल्य की गणना दो बार कर देना। 1200 रुपए यहाँ हमने आटा मिल के लिए, जब आटा मिल वाले ने इस वस्तु को, इसको आटा बना के बाजार में चाहे 1200 रुपए प्राप्त किया, वो जोड़ लिया। फिर मैदा मिल वाले ने उसको मैदा बना के बाजार में चाहे 1500 रुपए, वो जोड़ लिया। तो इस 1200 रुपए की यहां भी गणना कर रहे हैं और इस 1200 रुपए की यहां भी गणना कर रहे हैं। इसी को कहते हैं दोहरी गणना, डबल काउंटिंग। और जब भी किसी अर्थव्यवस्था की, राष्ट्रीय आय की गणना के संबंध में इस तरह की स्थिति आती है कि आंकड़ों में अस्पष्टता की वजह से या आंकड़ा संग्रहण करने वाले, उसके विश्लेषण करने वाले कर्मियों की अकुशलता की वजह से या अपर्याप्त आंकड़ों की वजह से इस तरह की स्थिति आती है, तो वो निश्चित तौर पर राष्ट्रीय आय के सही स्वरूप को प्रदर्शित नहीं करती है। और इस प्रकार, और इस मैदा मिल को से मैदा मिल वाले ने इस मैदे को बेकरी वाले को बेच दिया और बेकरी वाला इस 1500 रुपए के मैदे को लेके प्रोसेस करके ब्रेड बना के मार्केट में 2000 बेच रहा है, 2000 में। तो मतलब 1500 रुपए की चीज लेके और मार्केट में बेच के 2000 रुपए प्राप्त कर रहा है। तो 500 रुपए इस चरण में मैदा से उस वस्तु के ब्रेड बनने के चरण में, जो उस मैदे के मूल्य में वृद्धि हुई ब्रेड बनते बनते, वो कितना हुआ? 500 रुपए। इन सबको अगर हम जोड़ देंगे तो जो हमारे सामने आएगा वो आंख बंद करके हम लिख सकते हैं 2000 रुपए। क्लियर है अब? तो राष्ट्रीय आय की परिभाषा हमने आपको क्या बताया कि राष्ट्रीय आय की परिभाषा में जब हम वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के मूल्य की गणना करते हैं, वो वस्तुएं सेवाएं जो एक वर्ष की समय अवधि में अर्थव्यवस्था में उत्पादित की गई होती हैं, उनकी प्रकृति इस प्रकार का होना चाहिए। गणना के समय में हमें यह जरूर ध्यान में रखना है कि जिन वस्तुओं के उत्पादन, जो वस्तुएं उत्पादित हुई जिनके मूल्य की गणना हम राष्ट्रीय आय में कर रहे हैं, वो अंतिम वस्तुएं होनी चाहिए। अंतिम वस्तुओं का मतलब वो किसी अन्य वस्तु के बनने के क्रम में मध्यवर्ती या कच्चे आगत के या कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल न हुई हो, अपितु वह किसी उपभोक्ता द्वारा अपने किसी विशेष आवश्यकता को पूरा करने के लिए उसका उपयोग किया गया हो। और इस तरह से हम देखते हैं तो जब भी राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो हम अंतिम वस्तु और अंतिम सेवा की ही बात करते हैं। अगर अंतिम वस्तु और अंतिम सेवा की बात नहीं करते तो क्या होता, एक ही चीज को या एक ही वस्तु के द्वारा उत्पादित मतलब उसको जो है कई बार गिन लेते। यहाँ 1000 रुपए जोड़ रहे हैं, फिर 1200 रुपए जोड़ रहे हैं, 1500 रुपए जोड़ रहे हैं, 2000 रुपए जोड़ रहे हैं, लगातार जोड़ रहे हैं। मतलब इस 1000 रुपए की यहाँ गणना तो की ही, जो की जानी चाहिए। इस 1000 रुपए गणना यहाँ भी कर रहे हैं, यहाँ भी कर रहे हैं, यहाँ भी कर रहे हैं। मतलब एक किसान ने 1000 रुपए मूल्य का गेहूं उपजाया, उसको कई बार जोड़े जा रहे हैं उस 1000 को। ये चीज जो राष्ट्रीय आय की गणना में त्रुटि उत्पन्न करती है, उसके आकार के संबंध में गलत हमको सूचना देती है, उसी से बचने के लिए, मतलब किसी भी वस्तु के उत्पादन के मूल्य को सिर्फ एक बार जोड़ने के लिए यह सावधानी रखी जाती है कि जो वस्तु और सेवा जिसके मूल्य की गणना कर रहे हैं वो अंतिम वस्तु होनी चाहिए। अगर मध्यवर्ती वस्तु है, इसके मूल्य की गणना कर लिए तो 1500 रुपए इसके मूल्य की गणना कर रहे हैं, अंतिम वस्तु ये है तो 2000 रुपए इसके मूल्य की गणना कर रहे हैं, 3500 रुपए। लेकिन ये सही चीज नहीं है, या इसको इस तरह से हमको गणना नहीं करना। इस तरह से गणना करने पे उस एक वस्तु की मूल्य की गणना कई बार होगी, जो कि हमारे राष्ट्रीय आय के आकार को के संबंध में हमको गलत या भ्रामक सूचना देगी। तो एक सामान्य सा हमने बस आपको ये समझाने की या ये बताने की कोशिश किया, प्रयास किया कि देखिए परिभाषा 2 लाइन की है, लेकिन इस परिभाषा में अगर हम उसको सही तरीके से नहीं समझे तो निश्चित तौर पर हम उसके संबंध में जो कॉन्सेप्ट है वो गलत धारणा लेके चल रहे हैं, और गलत धारणा लेके चल रहे हैं तो कहीं गलती कर ही देंगे। भाई जब हम रॉन्ग साइड चल रहे हैं, धारणा हमारी गलत है कि इंडिया में लेफ्ट साइड आपको व्हीकल ड्राइव करनी है, और धारणा गलत लेके चल रहे हैं, राइट साइड लेके चल रहे हैं, तो कभी भी आपका एक्सीडेंट हो सकता है। तो वही उसी तरह से वही स्थिति यहां भी है। जब धारणा हमारी स्पष्ट हो जाती है, एक बार हम चीजों को समझ लेते हैं, तो यकीन जानिए उसके बाद आपको उसको बार बार समझने की जरूरत नहीं पड़ती है। अर्थशास्त्र की यही खूबसूरती है, अर्थशास्त्र में जो कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से आपने समझ लिया, आत्मसात कर लिया, तो आप कभी भी 2 साल 4 साल 5 साल बाद
जब उसकी चर्चा होगी, वो चीज आपके सामने आएगी, तो तुरंत आपका दिमाग क्लिक करेगा कि नहीं, ये चीज है यहाँ पे, ये राष्ट्रीय आय की बात हो रही, तो राष्ट्रीय आय का वास्तविक स्वरूप क्या है, वो ये है, देश के नागरिकों द्वारा वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन क्या था, एक चीज और हम आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे कि राष्ट्रीय आय की जब हम गणना करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, और केवल वस्तुओं सेवाओं की नहीं, अंतिम वस्तुओं और अंतिम सेवाओं के उत्पादन के मूल्य को ही जोड़ते हैं। तो मतलब अगर वस्तु या सेवा का उत्पादन हुआ है उसके कारण आय प्राप्त हुई हो, जैसे मैं यहां पे क्लास ले रहा हूं, इस क्लास के बदले मुझे 1000 रुपए सपोज कर ये मिल रहा है, तो ये क्या है, यहां पे सेवा का सृजन हो रहा है, शिक्षा शैक्षणिक गतिविधि हो रही है, शिक्षा शैक्षणिक कार्य किया जा रहा है, यहाँ पे शिक्षा क्या है, सेवा है, सेवा का सृजन या जनरेशन ऑफ सर्विस हो रहा है, तो वस्तु या सेवा का उत्पादन हो रहा है। अर्थ किसी भी अर्थव्यवस्था में, वो अर्थव्यवस्था चाहे वो बहुत विकसित अर्थव्यवस्था हो या बहुत ही अविकसित अर्थव्यवस्था हो, उसमें दो ही प्रकार की चीजों का उत्पादन होता है, या तो वस्तु का उत्पादन होगा या सेवा का उत्पादन होगा। तो यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, सेवा का उत्पादन हो रहा है, सेवा का सृजन हो रहा है, तो सेवा के सृजन के में योगदान देने के कारण ही हमको ये 1000 रुपए मिल रहा है। तो आपको इस एक पढ़ाने के 1 घंटे क्लास के लिए मुझे अगर 1000 रुपए मिल रहा है, तो इसके बदले में मैंने सेवा सृजित किया या सेवा का उत्पादन किया, और हमने आपसे कहा कि सिर्फ और सिर्फ वस्तुओं और सेवाओं में योगदान देने के कारण अगर हमको आय प्राप्त हो रही हो, तो सिर्फ और सिर्फ वही आय राष्ट्रीय आय में जोड़ी जाएगी, अन्यथा किसी माध्यम से हमको आय प्राप्त हो रही है, जैसे मान लीजिए पढ़ा के हम यहां से निकले, रोड पे गए, दिन अच्छा है, 2000 रुपए की गुलाबी गुलाबी नोट दिख गई, 1000 रुपए हमको यहां से मिला, 2000 रुपए हमने वहां से उठा लिया, हमारी जेब में कितने होगा, 3000 रुपए हो गए। लेकिन वो 3000 रुपए जब राष्ट्रीय आय की गणना होगी, तो उस राष्ट्रीय आय की गणना में 1000 रुपए की ही गणना होगी, जो कि 1000 रुपए हमें प्राप्त हुआ है किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन के बदले में। जो रोड पे गिरा हुआ 2000 रुपए मिला, उसके बदले में मैंने किसी भी प्रकार की वस्तु या सेवा का उत्पादन नहीं किया, दैव योग से दिन अच्छा था, किसी का दिन खराब था, अपना अच्छा था, मिल गया। तो उसी तरह से जब हम राष्ट्रीय आय की गणना की बात करते हैं, तो एक चीज हम दिमाग में रखेंगे, ध्यान में रखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ उत्पादन की गतिविधि के द्वारा सृजित, मतलब वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की गतिविधि के द्वारा, और वस्तुओं और सेवाओं की प्रकृति क्या है, अंतिम वस्तुओं और अंतिम सेवाओं के उत्पादन की गतिविधि द्वारा सृजित आय ही राष्ट्रीय आय में जोड़ी जाती है, राष्ट्रीय आय की गणना में उसको शामिल किया जाता है। अन्यथा स्थिति में अन्य किसी माध्यम से अगर हमको आय प्राप्त हो रही हो, तो उस प्राप्त आय को की गणना राष्ट्रीय आय में नहीं की जाएगी। तो इस चीज को हम ध्यान में रखेंगे, 1 वर्ष की समय अवधि में किसी देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों का जब हम योग कर लेते हैं, तो जो प्राप्त होता है योगफल, उसको हम उस वर्ष के लिए उस देश का राष्ट्रीय आय कहेंगे। आज के लिए इतना ही। सारी जो चीजें हैं इस राष्ट्रीय आय से संबंध में अभी शेष है, उसको हम अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे, और आपका साथ चाहेंगे कि साथ में रहिए, समझिए, और उसको अन्य लोगों तक पहुंचाने का भी काम करिए, अगर आपको ये उचित लगता हो, आपके लिए संभव है तो। थैंक यू वेरी मच।